हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा ने सत्र 2020-23 का स्नातक पार्ट वन BA BSc BCom का एग्जाम डेट को जारी कर दिया है, रूटीन को जारी कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप रूटीन को डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे आप अपने रूटीन को समझ पाएंगे कि किस दिन आपका किस पेपर का परीक्षा है, ऑनर्स का परीक्षा कब है, सब्सिडरी का परीक्षा कब है, कंपोजिशन का परीक्षा कब है। पूरा डिटेल्स में हम लोग रूटीन को समझेंगे और कैसे आपको रूटीन को डाउनलोड करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको VK SU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। चलिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं। देखिए, यही आपका टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल में 45,000 से ऊपर स्टूडेंट जुड़े हैं। यहाँ जुड़ जाइए, यहाँ एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलता है। आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो आपके कॉलेज में होगा और एक एक कॉलेज का आपका जो रूटीन आएगा आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। सत्र 2020-23 का स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उस टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। VK SU से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द आप लोग का पार्ट वन का एडमिट कार्ड भी जारी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पहले ही बताया था कि 1 से 2 दिन में आप लोग का एग्जामिनेशन रूटीन आ जाएगा और देख सकते हैं आपका एग्जामिनेशन रूटीन को आज शाम में जारी कर दिया गया है। चलिए कैसे आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है stresult.com, stresult.com, stresult.com। यहां से एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहां से आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। अब चलिए नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी। क्या दिखाई देगा डियर स्टूडेंट? यहां पर आपको कैटेगरी दिखाई देगा। यहां पर ये रहा, देखिए यहां पर कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा यहां पर VK SU आ रहा। यहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहां पर VK SU का सारा अपडेट मिलता है। यहां से भी आप रूटीन को डाउनलोड कर आएंगे, लेकिन अभी रूटीन आपका जस्ट आया है तो जो लेटेस्ट पोस्ट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर डाल देते हैं। जैसे इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसको भी सबसे पहले ही डाल देंगे जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। और यहां पर देखिए सबसे ऊपर में ही आपका लिंक यहां पर दिखाई दे रहा है, VK SU पार्ट वन रूटीन सेशन 2020-23 डाउनलोड। इस पर आपको कर देना है क्लिक और नीचे बढ़ना है। नीचे जैसे ही बढ़िएगा तो यहां पर देखिए यहां पर पूरा विवरण दिया गया है कि स्नातक पार्ट वन का आपका रूटीन को जारी कर दिया गया है। एग्जाम आपका 30/3/2022 20/4/2022 तक होगा। यहां से आपको 20-23 का स्पेशल ग्रुप में जुड़ जाना है। यहां से आपको VK SU का टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। अब चलिए डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर लिखा है VK SU पार्ट वन रूटीन डाउनलोड। यहां पर क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ये रूटीन डाउनलोड हो जाएगा। PDF के माध्यम से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो देख सकते हैं आपका ये रूटीन डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जाम है 30/3/2022 से शुरू होगा और कब तक चलेगा, तो आपका ये एग्जाम 20/4/2022 तक चलेगा। अब आप कहिएगा कि सर इसमें हम कैसे जाने कि मेरा किस दिन परीक्षा होगा? तो देखिए आपको पार्ट वन का एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा, 200 का आपका ऑनर्स पेपर होता है, 200 का आपका सब्सिडरी पेपर होता है, 100 नंबर का आपका कंपोजिशन पेपर होता है। शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा डिटेल्स में आपको अच्छा से रूटीन को समझा रहे हैं, पार्ट वन का एग्जाम पैटर्न को समझा रहे हैं। अब यहां पर देखिए जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 30/3/2022 से 5/4/2022 तक आपका ऑनर्स का पेपर चलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 6/4/2022 से आपका 20/4/2022 तक सब्सिडरी का पेपर यहां पर चलेगा। और वही जो पास कोर्स लिए रहते हैं, जैसे एक ऑनर्स कोर्स होता है एक पास कोर्स होता है, तो जो पास कोर्स लिए हैं जनरल कोर्स लिए हैं उनका एग्जाम 6/4/2022 से 20/4/2022 तक होगा। अब चलिए यहां डिटेल्स में हम थोड़ा ऑनर्स का रूटीन समझ लेते हैं। जैसे चलिए आपको कोई एक सब्जेक्ट का समझा देते हैं। जैसे चलिए आपका फिजिक्स यहां पर ऑनर्स है तो सबसे पहले यहां पर आपको ग्रुप चेक करना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्पेशल ग्रुप में आपका वोकेशनल कोर्स है। अब चलिए फिजिक्स ऑनर्स का हम चेक कर रहे हैं। ऐसे ही आपका जो भी ऑनर्स है उसको यहाँ ग्रुप में चेक करना है। तो चलिए फिजिक्स कहाँ इसमें दिख रहा है, तो फिजिक्स यहाँ पर ये रहा ग्रुप ए में। तो अब चलिए यहाँ पर ऑनर्स का जो रूटीन है उसमें ग्रुप ए कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर ये ग्रुप ए लिखा है। तो 30/3/2022 को फर्स्ट सीटिंग में मेरा पेपर वन है। अब चलिए पेपर टू कहाँ है, क्योंकि ऑनर्स में 2 पेपर होता है, पार्ट वन में सब्सिडरी 2 सब्जेक्ट होता है और 1
सब्जेक्ट आपका कंपोजिशन होता है। तो पेपर वन तो पता चल गया ग्रुप ए का फिजिक्स ऑनर्स का, जो भी आपका सब्जेक्ट है ऐसे ही आप समझिएगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पर ग्रुप ए अब कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको चेक करते रहना है कि अब आपको यहाँ पर ग्रुप ए कहाँ दिख रहा है। तो देखिए ये रहा ग्रुप ए, 1/4/2022 को ग्रुप ए अब सेकेंड सीटिंग में पेपर टू है, ऐसे ही आपको समझना है। तो ये आपका मान लीजिए फिजिक्स, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिए ऑनर्स का। अब चलिए मान लीजिए आपका केमिस्ट्री और मैथ दो सब्जेक्ट आपका सब्सिडरी में है, तो यहाँ सब्सिडरी में चेक करना है कहाँ केमिस्ट्री दिख रहा है, कहाँ आपको यहाँ पर केमिस्ट्री दिख रहा है, यहाँ पर चेक करते रहना है। देखिए यहाँ पर आपका केमिस्ट्री यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है 11/4/2022 को सेकेंड सीटिंग में। मैथ कहाँ दिख रहा है इसमें आपको चेक करना है, तो मैथ यहाँ पर देखिए साइंस एंड आर्ट्स का यहाँ पर मैथ आपको दिखाई दे रहा है 12/4/2022 को सेकेंड सीटिंग में। ऐसे ही आपको रूटीन को समझ लेना है। देखिए कंपोजिशन पेपर आप कहेंगे कि सर जो 100 नंबर का कंपोजिशन होता है उसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए कंपोजिशन साइंस कॉमर्स का यहाँ पर दिखाई दे रहा है 13/4/2022 को सेकेंड सीटिंग में कंपोजिशन पेपर है, किसका किसका साइंस और कॉमर्स का। तो अब कंपोजिशन आर्ट्स का कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कंपोजिशन आर्ट्स का यहाँ पर दिख रहा है 20/4/2022 को, यहाँ पर आपका फर्स्ट सीटिंग में आर्ट्स का है और सेकंड सीटिंग में आर्ट्स प्लस मैथ आर्ट्स, मतलब जो बीए मैथ से भी होता है उनका कंपोजिशन यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है किस दिन 20/4/2022 को सेकंड सीटिंग में। ये आपका ग्रुप सी के लिए केवल है और ये आपका ग्रुप बी और डी के लिए है, ये सब बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका आर्ट्स का 20/4/2022 को फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप बी डी कहाँ दिख रहा है, ग्रुप बी और ग्रुप डी ये दोनों का यहाँ पर आर्ट्स का यहाँ पर आपका 20/4/2022 को फर्स्ट सीटिंग में और ग्रुप सी का आपका यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में 20/4/2022 को कंपोजिशन पेपर होगा। ग्रुप सी में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप ये सब पूरा डिटेल्स आप देखिए समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब से कब होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 25/4/2022 से 30/4/2022 तक आपके अपने कॉलेज में होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप VKSU वाला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, 17/2020-23 का स्पेशल ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको जैसे ही एक एक कॉलेज का सूचना आएगा, प्रैक्टिकल का नोटिस आएगा, रूटीन आएगा, तो आपको मिलते रहेगा। आई होप आप पूरा डिटेल समझ रहे हैं। देखिए ये वाला जो प्रोग्राम लिखा है प्रोग्राम ऑफ जनरल, ये आपका जनरल पास कोर्स के लिए है, जिनका ऑनर्स है ये वाला प्रोग्राम को देखेंगे। और यहाँ पर सब्सिडरी का प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है, इसी में आपका कंपोजिशन दिया हुआ है, कंपोजिशन आपको समझा दिए, साइंस कॉमर्स का कंपोजिशन यहाँ पर 13/4/2022 को सेकेंड सीटिंग में है। और यहाँ पर देखिए आपका ग्रुप बी और डी का कंपोजिशन आर्ट्स में 20/4/2022 को फर्स्ट सीटिंग में और सेकेंड सीटिंग में ग्रुप सी का यहाँ पर आपको कंपोजिशन है सेकेंड सीटिंग में। जैसे बीएससी मैथ होता है ना, वैसे ही बीए मैथ भी होता है, तो उनका भी कंपोजिशन सेकेंड सीटिंग में 20/4/2022 को है। जैसे देखिए एक और पेपर आपको समझाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में छात्रों को दिक्कत होता है, तो देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में जो आपका ऑनर्स होता है 200 का, उसमें 50 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री, 50 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 50 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो जो 50 150 का आपका पेपर होगा कि इसको कहा जाएगा केमिस्ट्री पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी। जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए 50 50 50 का जो केमिस्ट्री ए बी सी होगा आपका, तो इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री वन ए देखिए ये रहा आपका 30/3/2022 को सेकेंड सीटिंग में। उसके बाद केमिस्ट्री वन बी कहाँ है, चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, केमिस्ट्री वन बी ये रहा आपका फर्स्ट सीटिंग में 1/4/2022 को। उसके बाद केमिस्ट्री सी यहाँ पर कहाँ है, देखिए ये रहा आपका 4/4/2022 को सेकेंड सीटिंग में आपका है। तो केमिस्ट्री का थोड़ा स्पेशल रहता है, तो आपको समझा दिए हैं। ऐसे ही चलिए कोई आर्ट्स में पेपर ले लेते हैं। चलिए हिस्ट्री का आपको समझाते हैं, तो ये आपको चारों ग्रुप में चेक करना है हिस्ट्री कहाँ दिख रहा है, चेक कीजिए ध्यान से। तो थोड़ा आप यहाँ पर आपका हिस्ट्री कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ये रहा आपका हिस्ट्री ग्रुप डी में दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर ग्रुप डी कहाँ दिख रहा है ऑनर्स वाला में, सबसे पहले आपको चेक करना है ग्रुप डी यहाँ पर ये रहा, देखिए पेपर वन आपका यहाँ पर ग्रुप डी का पेपर वन आपका 1/4/2022 को होगा। अब जो भी आपका ग्रुप डी में एग्जाम है उन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर वन आपका होगा किस दिन, तो 1/4/2022 को होगा। अब मैं एग्जाम्पल में आपका हिस्ट्री लिया हूँ, तो चलिए यहाँ पर हिस्ट्री समझता हूँ। तो हिस्ट्री का पेपर वन आपका 1/4/2022 को हो जाएगा। उसके बाद पेपर टू कहाँ है, तो ग्रुप डी में हिस्ट्री है और हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर डी का
पेपर 2/5/2022 को है। तो आई होप पूरा डिटेल्स आप समझ गए कैसे इसको रूटीन को समझना है। बहुत जल्द इसका सिलेबस वगैरह जो होता है stresult.com पर पब्लिश कर देंगे, तो आपको वीडियो हम बना के इन्फॉर्म कर देंगे। 1 से 2 दिन में हम लोग उसका भी, हमारी टीम वर्क कर रही है सिलेबस पर, बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।